जीतमल की ग्राम सोनसी में दो दिन से गुमशुदा 14 साल के लड़के का शव नहर में मिला। वही घर में मचा कोहराम, परिवार वालों ने बताया कि हत्या का मामला है। वहीं पीड़िता के पिता की वाइट रिपोर्ट। नाम है आपका? भैया फूल सिंह जी। क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? सोनासी। फूल सिंह जी, क्या घटना हुई आपके साथ? ये बच्चा अनंतराम गया था, मार्केट गया था। आपका बच्चा? हाँ। क्या नाम है उसका? कितनी उम्र थी? 14 साल करीब। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ से लौटा नहीं मार्केट, घर के वहाँ गया था। तो मेरा बड़ा भाई लड़का था साथ में, तो उन्होंने कही गाल उठाई थी, घर कैसे ले जाना, घर नहीं जाना। उन्होंने पैसे देखे, ये बच्चा और बड़ा वाला और कहीं चला गया और छोटा वाला वापस नहीं होता मेरे। उसके बाद फिर आपने खोजबीन नहीं की? नहीं, हमने 2-3 घंटा नहीं देखा, हम भी आ गया, आ जाएगा। जब शाम हो गई तब मैंने बहुत खोजबीन की। तो उसके आपने फिर पुलिस को सूचना दी गुमशुदगी की? अगर तुम देखते रहे फिर कल पुलिस को सूचना दे आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जो है आज हमने किया ढूंढेंगे और नहीं ढूंढेंगे कहीं, तो फिर पता लगा कि लड़की बच्ची बह रही लड़का है, धरा है बम्बा से। ये सूचना आपको किसने दी कि आपका बच्चा यहाँ यहाँ पे एक मट्टी आई हुई है या बह रही है? ये सूचना कैसे मिली आपको? ये लड़के वाले गए थे वहाँ पे, लड़के गए देखते हैं कि बच्चा है कोई लड़का है, इसलिए उन्होंने दे तो हम यहाँ के मोहल्ला सही चले गए, देखा तो मेरे ही बच्चा था। वो था शिनाख्त आपने की जाके? हाँ, हमारा बच्चा था, हम तो शिनाख्त कर ही लेंगे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी फिर आपने? पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस आ गई थी, हम गए तो पुलिस को पता नहीं। क्या लगता है आपको, मतलब आपकी किसी से कोई पुरानी रंजिश चल रही है? वैसा हमारी कोई आज दिन तक किसी से रंजिश नहीं है। कहीं किसी तरह कोई शक सुबह किसी ऊपर या कोई घटना ऐसी हो सकती है, कोई ऐसा घटना कर सकता है? वैसा हमारे दिमाग में सर कहीं तो है नहीं, ऐसी दिमाग में कोई ऐसी मई लड़ाई हो किसी बच्चे से हमारी, हमारी कोई नहीं है। उदयवीर सिंह, आप बताइए आप यहाँ पे क्या मौजूदा प्रधान हैं? जी। अच्छा, ये बताइए आज जो घटना हुई इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बहुत दर्दनाक घटना भाई है, और जबकि इनकी काउस रनिश हो नहीं आती, और लड़का बहुत सीधा था, कोई किसी से मतलब नहीं। क्या लगता है, मतलब ये घटना मर्डर लगता है या कोई आपकी घटना नहीं? मर्डर ही है, मर्डर है। ये आप किस बेहद पे कह रहे हैं कि मर्डर हो सकता है? साहब सब लोगों एक तरफ आप ये कह के चल रहे हैं कि नहीं साहब इसकी कहीं कोई रंजिश नहीं है, तो इस तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें मर्डर हो सकता है, या किस बिना पे कह रहे हैं आप? मन देखो तो गले जो सब लते धरे ऊंचे धरे थे, काले काले खांसी जैसी हो, जो सब आंखें में डर आई थी। अच्छा, घटना स्थल को देखते हुए उस बिहेव पे आप कहना चाह रहे हैं कि मर्डर हो सकता है? तो डेड बॉडी कहाँ मिली है उसकी? बम्बे में, बम्बा में बैठी हुई। ठीक है। आपका प्रियंका बेटा, ये बताइए घटना हुई आपका भाई था? हाँ। तो किस तरह से कैसे घटना हुई इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? या किसी पे कोई शक सुबह है? 5 बजे हम निकला लातों का गांव, 5-40 रुपया देने पी एफ सी ले आओ जाके, पी एफ सी लेन भेज लाई नहीं तब से। तो कहीं किसी कोई रंजिश वगैरह तो नहीं है इस बच्चे की या आपके परिवार की किसी से? नहीं तो। अच्छा, कोई से नहीं है। तो क्या बच्चे ने क्या लगता है, क्या इसने आत्महत्या किया है, किसी ने मारा हुआ है? किसी ने मारा हुआ भैया, पता नहीं हम लाऊ नहीं, हम कहा बताए। किसी से कोई रंजिश नहीं है आप लोगों को? परिवार की कोई रंजिश नहीं? फोटो हो उनका, फोटो ले लो। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गौरव सिंह की रिपोर्ट। और रैया प्रदेश की सरकार महिला की सुरक्षा की चाहे लाख दावे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मुरादगंज में एक ऐसा ही मामला निकल कर सामने आया है, जहां पर 14 वर्षीय लड़की के साथ घर में घुसकर एक लड़के ने रेप किया। क्या घटना हुई साहब, विस्तार घटना बताएं। घर पर नहीं थे, पिताजी और हमारी माता जी गयी थी इलाज के लिए ढाबा,
तो घर पर ये मेरी भतीजी थी, दिन में अकेली, तो पड़ोस का एक लड़का जबरदस्ती घुस गया घर में। भतीजी क्या नाम है? पूजा। अच्छा, उम्र कितनी उसकी? उम्र उसकी 14 साल। अच्छा, क्या घटना हुई? उसके साथ बलात्कार किया। किसने किया? ये भूरा और मनोज ने। पूरी घटना बताएं, कैसे हुआ, क्या क्या? वो जबरदस्ती कोई था ही नहीं घर पे, घुस गया उसने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। बच्ची चिल्लाई तब लोग बाग ने जाना। बच्ची अकेली थी क्या? बच्ची अकेली थी, घर पे कोई था नहीं? नहीं था। आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग अपने मेहनत मजदूरी करने गए थे। कहाँ पे करने गए थे? काम करने जाते हैं साहब। क्या काम करते हैं आप? मेरी मकान बनाने का। अच्छा, नहीं, कहाँ गए थे घर से? मुरादगंज से कितनी दूरी? इटावा गए थे काम करने। इटावा काम करने गए थे। तो लौटे, घटना क्या बजे की है? घटना ये दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की है। अच्छा, आप शाम कब आए थे लौट के? जाओगे जानकारी? 8 बजे। अच्छा, फिर क्या हुआ आपको? किसने बताया? बच्ची ने बताया या फिर पड़ोसियों ने बताया? पड़ोसियों ने बताया, घर वालों ने बताया। तो आपने उससे घर पे जाके शिकायत की कि आपने ऐसा किया? क्या भाग गया घर पे शिकायत की। जिस समय ये घटना हुई, ये माँ बाप घर पर नहीं थे? किसके? बच्ची के? नहीं, बच्ची के माँ बाप नहीं। माँ कहाँ गई थी? माँ साले की शादी थी। थाने में एफआईआर करा दी? हाँ, थाने में एफआईआर करा। मेडिकल हो गया बच्ची का? नहीं, मेडिकल के लिए आज के लिए बोला था कि तो अभी मैंने कहा तो ये कह रहे हैं कि अभी कांस्टेबल नहीं हमारे पास। कांस्टेबल नहीं, महिला कांस्टेबल? महिला कांस्टेबल नहीं। हो सकता उसको बुलवाया है। चलो ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। तेज बोलो। जोर से बोलो। है बेटा? पूजा नाम है। क्या बेटा, क्या घटना हुई बच्चा तुम्हारे साथ? बाबा दादी दवाई लेने गए थे, जबरदस्ती करने लगा है। सब अंदर दवा लगा लिया और बंदूक लिया था, कहीं जान से मार दिया था पापा मम्मी एक बार मार दी। बंदूक लिए था? हाँ। अच्छा, फिर चाचा जी उसका भाई और था। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए गौरव सिंह की रिपोर्ट। और